सो हे गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे यार। सो गाइज, आज हम लोग कर रहे हैं पॉलिनेशन टैटू का डिज़ाइन। और एक दो दिन में मेरा टैटू है यार, और वो हाफ स्लीव है, और दैट इज़ अ पॉलिनेशन टैटू। सो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है यार पॉलिनेशन टैटूज का। मैं हमेशा रियलिज्म करता हूँ और इलस्ट्रेटिव स्टाइल कर रहा हूँ मैं थोड़े टाइम से, बट अभी जो पॉलिनेशन स्टाइल में मैं जैसे इन्वॉल्व होने लगा, मैंने स्टडी करा इसको, रीड करा, रिसर्च करा इसके बारे में, तो बहुत अमेजिंग स्टोरीज है यार इसकी यार। पॉलिनेशन टैटूज़ जो भी है वो हवाई, न्यूजीलैंड और वहाँ के जो नियर बाय आइलैंड्स है वहाँ पे ये स्टाइल एग्जीक्यूट होता है। और ये वाला जो स्टाइल है ये सिर्फ वही लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि स्पेशल आर्टिस्ट है, जो जिनको उनके एंसेस्टर्स से ये टीचिंग मिली है, सिर्फ वही लोग इस स्टाइल को कैरी ऑन कर सकते हैं। और अगर कोई और इस चीज़ को करता है तो लाइक एक डिसरिस्पेक्टफुल सीन है वो, क्योंकि यार ये जो टैटूज है ये बहुत सीक्रेट है। इनमें जो एलिमेंट्स है वो उनके गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी सी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उनके प्लांट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ऑफ दैट पॉलिनेशन टैटूइंग बहुत सीक्रेट है। अगर किसी और ने ट्राई करना है, जैसे कि ये स्टाइल वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, तो हम लोग, या जैसे कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो हम लोग सीक्रेट सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों को जो नॉन सीक्रेट सिंबल्स हैं हम लोगों को वो यूज़ करने पड़ेंगे, और फिर वो जो प्रोसेस बनेगा दैट इज़ कॉल्ड किरीतोई। वो चीज़ कर रहा हूँ मैं, नॉन सीक्रेट सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ अपने डिज़ाइन में। हर एक सिंबल का एक मीनिंग है। मैंने थोड़ी बहुत बुक्स रीड करी और फिर मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चला कि आप पूरी की आप अपना पूरा सीन इसमें बता सकते हो। लाइक आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आप लॉयल हो, आप वॉरियर हो, तो मैंने ये बस मैं इसी पर काम कर रहा हूँ आज, और यही डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ। थोड़े दिनों में मैं टैटू करूँगा इसको। बस यार मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा आज यार पॉलिनेशन टैटू का, हम मैं हाफ स्लीव कर रहा हूँ जो। यार गाइस चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं डालने वाला हूँ इसमें, और हर एक एलिमेंट का अपना एक मीनिंग है। ये लिजर्ड का सिंबल है। अगर किसी का नया घर बन रहा होता है तो फिर वो एक डेड लिजर्ड को अपने घर के नियर उसको दबाते हैं फॉर द गुड लक, फॉर द प्रॉस्पेरिटी उसके लिए। ये टर्टल है, ये टर्टल के एलिमेंट्स है, ये टर्टल शेल है। सो लाइक ये वाले जो एलिमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करता है हेल्थ को, फर्टिलिटी को, लॉन्ग लाइफ को, ठीक है। और ये पॉलिनेशन लाइफ के लिए जो सी लाइफ है वो बहुत ही उनके लिए मेन है, तो वो चीज़। और लाइक ये वॉरियर का सिंबल है, ये शार्क टीथ है। तो आप इस तरह से लाइक ये कुछ क्रेजी एलिमेंट्स है। ये स्पियर हेड है ये वाला, ठीक है, स्पियर हेड, ये स्पियर्स है। इस तरह से ये हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं पीस में, ठीक है। तो बस मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी इसके ऊपर, और मैं बस ये स्टोरी बना के ये पीस डालने वाला हूँ। लेट्स सी, बस आज मैं फाइनल कर दूंगा इसको। अभी बज रहे हैं रात के 10, और
मेरा डिज़ाइन का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ मेरे को जो मेरे जो मेन एलिमेंट्स थे अब उन पे भी वो काम करना है, और थोड़ा सा काम मेरे को और कर रहा है उसके ऊपर, मतलब एक दो बार और स्केच करूँगा मैं, और काफ़ी सही आ रहा है पीस यार, फाइनली सेटिस्फाई फील हो रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन देख के। मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है डिज़ाइन, मैं करते करते काफ़ी टाइम हो गया है अभी, बट सही है, इट्स ऑल गुड। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज चेक दिस आउट, ये है हमारा फोर आर्म की बैक साइड वाला पार्ट, और ये है मेरा फोर आर्म, यहाँ पे हम फ्लावर करेंगे छोटा सा, और यहाँ पे मेन एलिमेंट आएगा, और यहाँ पे ऊपर वो बड़ा वाला डिज़ाइन आएगा। सो बेसिकली मेरा ये छोटा सा थंबनेल था, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो करते करते मैंने फाइनल स्केच मेरा ये बनाया, जैसे कि आपने देखा होगा, और काफ़ी सारे अभी मेरे को ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन पर थोड़ा सा काम करना है मेरे को, और ये वाले एलिमेंट्स भी, ये सिर्फ मैंने रफली प्लेस करे हैं अभी, तो अभी इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको फाइनल स्केच करूँगा, फाइनल एक बार बनाऊँगा, और फिर उसके बाद कल के लिए स्टेंसिल की प्रिपरेशन करेंगे। वैसे पॉलिनेशन टैटू मैक्सिमम लोग फ्री हैंड भी करते हैं इसको, मैं कल ट्राई कर रहा हूँ स्टेंसिल के साथ, और थोड़ा बहुत फ्री हैंड करना पड़ेगा इसमें, शुरू करते हैं यार काम अभी, अभी 10:05 हो रहे हैं, तो बस यार शुरू करता हूँ मैं काम अब, और यार यहाँ पे स्टूडियो में अकेला ही हूँ तो मैं कहूँगा जरा टाइम लैप्स दिखाने पड़ रहे हैं, सो यार गाइस चलो करते हैं शुरू। सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 1, और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है यार मेरा डिज़ाइन, जैसे कि मतलब प्लेसमेंट एंड ऑल बहुत सही आ गई है इसकी, पूरे प्रॉपर डिज़ाइन की, बस यार अब मैं इसको अप्रोप्रिएट पे थोड़ा फाइनली ड्रॉ कर रहा था, और इसको प्रिंट निकाल रहा था अभी, और ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, अब तो बस स्टेंसिल ड्रॉ करना है, अगर मेरी थोड़ी सी हिम्मत हुई तो मैं फिर से अभी बैठ जाऊँगा ड्रॉ करने, नहीं तो मुझे लग रहा है मेरे को सोना चाहिए, और या गाइस चलो थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस देखने के लिए, और प्लीज़ यार कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर किसी को टैटू करवाना है तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो शेयर करना, या गाइस थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।